अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसिया आर्ट गैलरी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वाली लड़ी जो हमने सुबह में इसकी वीडियो अपलोड की थी, ये लड़ी मैं आप लोगों को बना के बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैं ग्रीन कलर का ऊन ली हूँ और ग्रीन कलर के ऊन से हम सबसे पहले बनाएंगे चेन। तो देखिए, मैं यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले हम एक गांठ लगाएंगे, उसके बाद से चेन बनाएंगे। देखिए इस तरह से, जितनी लंबी आपको बनानी है ये झालर, उतने लंबा आप चेन बनाएं। देखिए फ्रेंड, हमें इतनी लंबी झालर की ज़रूरत है, हम इतना लंबा बना रहे हैं। तो देखिए, इतना लंबा हम चेन बना लिए हैं। इसके बाद से चेन बनाने के बाद हम यहाँ पे कट कर देंगे धागे को। धागे को यहाँ पे हम कट करके निकाल दे रहे हैं। इसके बाद से हम दूसरे कलर का ऊन ज्वाइंट करेंगे। ये वाली ऊन हम ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ यहाँ पर। देखिए, जहाँ से हमने उनको ज्वाइंट किया था यहीं पे मैं फिर से उनको इस सेकंड वाले उनको ज्वाइंट करूँगी इस तरह से। देखिए, तो सबसे पहले जितनी हमारी चेन है पूरे चेन में एक एक डबल क्रॉस ये बनाते जाएंगे इस तरह से। देखिए, जब मैं जैसे बना रही हूँ, जिस तरह से मैं बना रही इसी तरह से बनाते जाएंगे। देखिए, पूरे में डबल क्रोशिया करके इस तरह से, जितनी चेन है इतने में पूरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फ्रेंड, हमने जितनी चेन बनाई हुई थी यहाँ पे, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जितना चेन हमने बनाया था पूरे में सिंगल क्रोशिया करके इस तरह से बना लिया। आप देखिए, अगला स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर हम अपने डिफरेंट कलर को के उनको ज्वाइन करेंगे इस तरह से यहाँ पे। देखिए, हमने यहाँ पे ज्वाइन किया, फिर तीन चेन लिया। चेन लेने के बाद से इसको हम सेकेंड वाले में इस तरह से ज्वाइन करें, सॉरी, इसको हम इसी जगह पे ज्वाइन करेंगे और एक ही जगह से दो डबल क्रोशिया निकालेंगे। देखिए, अब जितना हमारा सिंगल क्रोशिया बना था उसमें से पूरे में से हम डबल डबल क्रोशिया करके निकालेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे डबल डबल क्रोशिया निकाल रही हूँ, एक एक जगह से दो डबल क्रोशिया बना रही हूँ इस तरह से। इस तरह से आप पूरा ये राउंड भी आप पूरा इसी तरह से कंप्लीट कर लें। मैं इसी तरह से सेम प्रोसेस सेम पैटर्न से कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड, हमने ये रो भी यहाँ तक पूरा बना के कंप्लीट कर लिया है, डब एक में डबल क्रोशिया करके। अब देखिए हम क्या करेंगे, फिर अपना ऊन ज्वाइन करेंगे इस तरह से। देखिए, मैं उनको ज्वाइन कर रही हूँ यहाँ पे। तीन हमने चेन बनाया, उसके बाद से उसी जगह से एक डबल क्रोशिया और फिर एक और डबल क्रोशिया। तो एक जगह से एक में से हमारा तीन डबल क्रोशिया हो गया। और फिर देखिए, इसके बगल वाले में से एक ही जगह से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर उसके बगल वाले में से एक ही जगह से तीन डबल क्रोशिया। देखिए, मैं इस तरह से बुन रही हूँ। देखिए, एक जगह से हमने तीन तीन डबल क्रोशिया बनाया हुआ है। अब जितना हमारा ये है पूरे में हम डबल क्रोशिया करके बना लेंगे, डबल क्रोशिया सॉरी या ट्रिपल क्रोशिया, तीन तीन डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे एक एक में हम। तो इसी तरह से पूरा बना के कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद से हम आप लोगों को बताते हैं।
अब देखिए फ्रेंड क्या करेंगे, इसको हम बस एक एक सिंगल क्रोशिया ऊपर से बनाते जाएंगे इस तरह से। देखिए देखिए इसी तरह से हम बुन लेंगे पूरे में, और बुनने के बाद हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये हमारा झालर।